जनवरी को अयोध्या में श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होगा और ऐसे में तैयारियां जोरों शोरों पर है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम उसी राम पथ पर है जहां पर से होकर ये मुख्य द्वार जाता है और यहां पर आप देख सकते हैं लगातार अभी भी काम काज चल रहे हैं और उसके बावजूद भी जो भक्तों का तांता है वो लगा हुआ है पूरी तरीके से। अगर हम बात करें तो इस वक्त अयोध्या राममय हो चुका है, दूर दराज से तमाम जो साधु संत महात्मा है दर्शनार्थी वो यहाँ पर आ रहे हैं और सुबह से ही आप देख सकते हैं यहाँ पर श्री रामलला के दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और ठीक पीछे आप हमारे देख रहे हैं कि वो मंदिर बनकर तैयार हो रहा है जहाँ पर 22 जनवरी को प्रधानमंत्री इस गर्भगृह में रामलला को प्रवेश कराएंगे, यानी कि पूजन अर्चन काम होगा। अभी भी काम का चल रहा है, बैरिकेडिंग है, लेकिन हम तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाएंगे, अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो दिखाएं कि वो जो सामने आपको दिख रही है पत्थर की पूरी मंदिर, वही श्री रामलला की नई मंदिर बनकर तैयार हो रहा है और कोर्ट के आदेश के बाद से जो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट है उसके द्वारा ये मंदिर बनाने का जो काम है वो चल रहा है। अभी भी हम तस्वीर से दिखाएंगे, हालांकि अभी भी काम का चल रहा है तो इसलिए इसके आगे तस्वीर जाने के लिए अभी परमिशन नहीं दिया गया, लेकिन इसके बावजूद हम तस्वीरों से दिखाने की कोशिश करेंगे कि सामने जो मंदिर है वो रामलला का मंदिर है, उसी के बगल में गर्भगृह है जहां पर 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजन अर्चन करेंगे और इसके साथ ही जो 23 तारीख से वो पूरा पूजा पाठ की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। अभी भी अगर हम बात करें व्यवस्थाओं को लेकर तो लगातार कामकाज चल रहे हैं और यहाँ हम लोगों से बातचीत हमारे एक सहयोगी है जो टूरिस्ट गाइड हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। अभिषेक, ये कहा जा रहा है कि जब से मंदिर का निर्माण चल रहा है और जो अभी तक नए गर्भगृह में रामलला है उसमें कितना परिवर्तन देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार हम बात करें कि अब ये कहा जा रहा है कि 23-22 जनवरी को जो ये प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा उसके बाद से यहाँ पर भक्तों का तांता है, तो टूरिस्ट गाइड के नाते कितनी जिम्मेदारी आपकी अभी बढ़ती है, ये कहा जा रहा है कि संख्या जो है वो बढ़ने वाली है। देखिए, सबसे पहले ये तो मैं बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये हमेशा कहना है कि हमारे जो बच्चे होते हैं, स्कूल के बच्चे विद्यार्थी, वो एक राजदूत होते हैं, एम्बेसडर होते हैं। तो इसी के तहत हमने भी अयोध्या को लेकर पढ़ाई शुरू की कि हमारी अयोध्या कैसी है, फैजाबाद क्या शहर रहा है। तो आज अयोध्या में जो हम 2017 से पढ़ाई कर रहे थे, आज वो कहीं ना कहीं हमें उसका रिजल्ट आउटपुट मिल रहा है। 2019 में जब वर्डिक्ट आया और ये आशाएं जगी कि अब वो 500 वर्षों का पटाक्षेप हो रहा है, हमारे रामलला, हमारे राम भगवान अब फिर से विराजमान होंगे, उस मंदिर में होंगे जो अभी आप देख रहे हैं बन रहा है। एक समय था लोग यहाँ टेंट में आते थे, जूते चप्पल पहनकर रामलला के दर्शन करते थे, उन सभी का पटाक्षेप हो रहा है और आज हम राम मंदिर बन रहा है। तो एज टूर गाइड देखता हूँ तो रोजगार की अपार संभावनाएं यहाँ लोगों के लिए बन रही है। मैं मंदिर के बारे में बात करूंगा क्योंकि ठीक पीछे हमारे वो मंदिर है रामलला का जहां पर पूजन होगा, उसके बाद स्थापना की गई। मंदिर के बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरीके से वहां पर तैयारियां हैं, कि किस तरीके से लोग आएंगे तो आप बताएंगे, क्योंकि ये कहा जाए कि जो है सबसे पहले गर्भगृह है, उसके बाद जो ऊपर रामलला का जो पूरा वो है विराजमान किए जाएंगे, इसके साथ कई किले, उन तमाम बारे में हम जानना चाहेंगे, मंदिर के बारे में थोड़ा विस्तृत के बारे में बताइए आप। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि ये हमारा जो है नागर शैली की परंपरा का मंदिर है। तीन अलग अलग शैलियां हैं लेकिन जो प्रमुख शैली है वो नागर शैली, हमेशा नदियों के किनारे बने हुए जो मंदिर होते थे उनकी होती थी। हिंदू स्थापना में यही देखा जाए, दक्षिण की तरफ जो चलते हैं दक्षिण की शैलियां होती हैं। फिर यहाँ 5 मंडप बन रहे हैं, रंग मंडप, नृत्य मंडप, कीर्तन मंडप, सभा मंडप, गर्भगृह। इस तरीके से लोग आएंगे, परकोटा के दर्शन करेंगे, 380 के करीब यहाँ पिलर हैं। हमारे जितने भी कुलगुरु हुए हैं, ऋषि वशिष्ठ हैं, ऋषि भरद्वाज हैं, ऋषि श्रृंगी ऋषि हैं, इन सभी की यहाँ मूर्तियाँ लगाई जाएंगी। माँ कौशल्या की मूर्ति होगी यहाँ पर, कारसेवक जिन्होंने 1990 में 1992 में मंदिर के लिए कारसेवा की है उनकी यहाँ मूर्तियाँ लगाई जाएंगी। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया है उन सब की मूर्तियां यहाँ लगाई जाएंगी। मतलब एक ऐसा कॉरिडोर बनाया जाएगा जो आज तक कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो एक बार अगर कोई अगर राम मंदिर में आता है तो कम से कम 3 घंटे वो दर्शन करेंगे आने वाले समय में। देख रहा हूँ कि कई इसमें मंडप दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो तस्वीरों से हम देख रहे हैं अभी, क्योंकि हालांकि वहाँ नजदीक हम नहीं जा सकते हैं, अभी परमिशन नहीं है, लेकिन जो देख रहे हैं कि अलग अलग मंडप दिखाई दे रहे हैं, तो उस मंडप के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, कौन से मंडप कहाँ पे रहेंगे, पहले तल पे क्या है, दूसरे तल पे क्या है, तो उनके बारे में थोड़ा जानकारी चाहेंगे। देखिए, जब हम एंट्री करते हैं तो प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार के बाद हम फिर रंग मंडप चलते हैं, नृत्य मंडप चलते हैं, सभा मंडप चलते हैं, फिर गर्भगृह है। इस तरीके से हमारे अलग अलग जो है प्रांगण बनाए गए हैं, इनका नामकरण किया गया है कि लोग कहाँ जाएंगे, किस तरीके से चीजों को देखेंगे।
बीच में रामलला विराजमान होंगी, क्योंकि पहले जब यहाँ मूर्ति हुआ करती थी, गर्भगृह था जो विक्रमादित्य ने बनाया, गढ़वालवंश के राजा गौरीचंद का जो मंदिर तोड़ा गया उसमें यहाँ पर सीता जी जानकी जी विराजमान होती थी। लेकिन 1528 के बाद जब राम मंदिर का मुकदमा चलता है तो इसको राम जन्मभूमि नाम दिया जाता है, इसीलिए बाल रूप में यहाँ विराजमान हो रहे हैं। लेकिन अभी देखिए जो मूर्ति एक और आ रही है, योगी राज जी ने बनाई है, अरुण योगी जी ने, उसमें जानकी जी साथ है, लेकिन जो प्राण प्रतिष्ठा की मूर्ति है उसमें बाल रूप में है राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, ये मूर्ति यहाँ विराजमान की जा रही है। अजय टूरिस्ट गाइड, अगर हम बात करें क्योंकि जब से अगर हम बात करें कि 2019 के बाद से पूरा अयोध्या का स्वरूप बदलने की जो चीज़ें वो देखने को मिल रही है, लगातार अयोध्या में परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। अजय टूरिस्ट गाइड, अब ये बताइए कि कितने संख्या में अभी जो दर्शनार्थी वो आ रहे हैं यहाँ पे? मैं 2017 से यहाँ टूर गाइड कार्य कर रहा हूँ, प्रशासनिक लोगों को भी दर्शन कराता हूँ। बंगाल से जो लोग पहले आते थे उनको डर होता था कि हम टेंट के अंदर रामलला के अंदर दर्शन करने क्यों नहीं जाएंगे, कारण आतंकी गतिविधियों से उनको डर रहता था। लेकिन आज देख रहे हैं कि इतनी संख्या में लोग सिर्फ ये देखने आ रहे हैं कि वो ढांचा कहाँ था, रामलला अस्थायी रूप से कहाँ विराजमान है, और 22 जनवरी के जब प्रधानमंत्री जी यहाँ आकर उनको प्राण प्रतिष्ठित करेंगे तो स्थान कौन सा होगा, ये उत्सुकता है आज लोगों में। टूर गाइड यहाँ लगभग अभी 300 बन चुके हैं, मुझे लगता है ये संख्या अभी बहुत कम है, क्योंकि लाखों की करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं। एक समय तो यहाँ बहुत कम लोग आते थे, लेकिन आज यहाँ संख्याएं बढ़ रही है श्रद्धालुओं की, पर्यटकों की। अच्छा, जो टूरिस्ट गाइड, क्योंकि ये कहा जाता है कि टूरिस्ट गाइड की संख्या बढ़ाई जाएगी, तो उनको मंदिर के बारे में प्रशिक्षण देना जरूरी है, क्योंकि अगर हम बात करें तो जो इतनी तैयारियां चल रही जोरों शोरों पर, इसके साथ अगर हम बात करें कि और भी जैसे चाहे कनक भवन हो चाहे वो दशरथ महल, तो क्या उनको लेकर कोई प्रॉपर ट्रेनिंग देने की तैयारी की जा रही है? अभी नगर निगम और यूनिवर्सिटी के द्वारा 15 दिन की एक ट्रेनिंग की गई थी, जिसमें 3 बैच में अलग अलग गाइड, यहाँ 50 गाइड बनाए गए, फिर 300 गाइड हो गए। यूपी टूरिज्म की तरफ से भी कुछ ट्रेनिंग दी गई है, लेकिन उनको और भी प्रशिक्षण की आवश्यकता है। कारण है कि हमारा राम मंदिर का जो इतिहास है बहुत लंबा है। मैंने देखा है कि जो फॉरनर्स यहाँ आते हैं वो हमारे इतिहास को पहले जानना चाहते हैं कि अयोध्या क्या है, राम जी का चरित्र क्या है, क्योंकि हमारा जुड़वा शहर एक समय फैजाबाद हुआ करता था, तो वहाँ हमारे बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, गुलाबबाड़ी है, बहू बेगम का मकबरा है, बन्नी खानम का मकबरा है, तो इस तरीके की चीज़ें भी लोग देखना चाहते हैं। तो अयोध्या के टूर गाइडों को सर्किट के अनुसार बटना पड़ेगा, क्योंकि अगर अब आप अयोध्या आते हैं तो कम से कम अगर 4 दिन आप यहाँ स्टे नहीं करते शायद पूरी अयोध्या भी आप दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि आपका आधा दिन तो अभी आने वाले समय में राम मंदिर में जाने वाला है, उसके बाद हनुमानगढ़ी का दर्शन करते हैं, कनक भवन जाते हैं, नागेश्वरनाथ जाते हैं, बड़ी देवकाली, छोटी देवकाली। छोटी देवकाली जब जानकी जी का ब्याह हुआ और वो अयोध्या आई तो ऑलरेडी यहाँ पर एक बड़ी देवकाली यहाँ की कुलदेवी थी, तो जब वो अपने साथ गौरी जी को लेकर आई तो ये मंत्रणा हुई बीच में सबके साथ दशरथ जी के समय में कि आखिर अब हम नई कुलदेवी की स्थापना कैसे करेंगे, तो गौरी जी साथ आई थी तो उन्हें छोटी देवकाली नाम से पुकारा जाने लगा। तो इस तरीके के मंदिर हैं यहाँ, कम से कम 100 के ऊपर जातीय मंदिर हैं, 108 कुंड हैं जिनके दर्शन हमें करने चाहिए, 5 कोस, 14 कोस की परिक्रमाएं हैं, 84 कोस के जो मंदिर हैं वो इतने अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। जिस स्थान पर भगवान राम वनवास जाते समय तमसा नदी किनारे गौरा घाट पर रुके थे गयासपुर, वो भी बहुत ही पौराणिक स्थल है, भरत कुंड, जहाँ भगवान भरत जी ने तपस्या की, 14 वर्षों तक तपस्या की, नंदीग्राम जिसको कहा जाता है, उस स्थान पर जब लोग जाते हैं, गुप्तार घाट जाते हैं, तब वो देखते हैं कि अयोध्या को घूमने के लिए 1 या 2 दिन नहीं, कम से कम 3 से 4 दिन का आपको समय निकाल कर आना। हम देख रहे हैं कि हमारे बगल में भी एक मंदिर है जो अभी भी चल रहा है, यहाँ पे काम चल रहा है, और ये देख रहे हैं मुख्य द्वार के एकदम सबसे नजदीक है, इसकी कहानी क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी जरूर इतिहास से जुड़ा हुआ है, और आप किसी टूरिस्ट गाइड भी हैं तो आप इसको बखूबी बताइए कि हमारे दर्शकों को इसकी क्या कहानी मंदिर की। ये लगभग 17वीं शताब्दी के करीब बिहार के एक राजा महेंद्र सिंह थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, उनकी एक वाइफ थी जो उनकी थी, उनका नाम अमावा था। तो ये शैव परंपरा का मंदिर है और इसमें शिव जी विराजमान है, तो उन्होंने इस मंदिर को बनाया, लेकिन जब उनकी पीढ़ी में कोई रह नहीं गया तो एक आईपीएस हुए किशोर कुणाल जी, उन्होंने किताब भी लिखी है अयोध्या रिविजिटेड, तो उन्होंने इसका संरक्षण प्राप्त किया। पटना महावीर के द्वारा यहाँ पर भोजन संचालित होता है, रोज लगभग 1500 लोग यहाँ भोजन करने आते हैं, तो आज ये उन्हीं के द्वारा संचालित है। शैव परंपरा, असल में अयोध्या में अलग अलग परंपराएं हैं, शैव परंपरा का मंदिर है, शाक्त परंपरा का मंदिर है, वैष्णव परंपरा का, रामानंद का, रामानंदी परंपरा, रामानुजी परंपरा का मंदिर है ना, इस तरीके की परंपराओं के यहाँ अयोध्या में मंदिर है। अच्छा,
अगर हम बात करें मंदिर को लेकर, अगर हम बात करें जो मंदिर में काम चल रहा है क्योंकि लंबे समय से काम, लेकिन ये कहा जाए कि अभी मंदिर का अभी 50% जो हिस्सा है वो भी अभी बन के तैयार नहीं हुआ है। यानी अगर हम बात करें कि पूजन के बाद पूरा मंदिर कंप्लीट होने में आपको कितना समय लगता है, कितना समय लग जाएगा? जिस तरीके से कार्य हो रहा है देखने में लग रहा है कि 1 वर्ष के अंदर ये मंदिर तैयार हो जाएगा, क्योंकि परकोटा के बाहर की जो चीजें हैं वो अभी बनने में काफी समय लगेगा। बाहर की चीजों परकोटा का, जैसे हमने बताया ना कि हमारे जितने ऋषि हुए हैं, कुलगुरु हुए हैं, उनके मंदिर बनने में, कारसेवक जो हुए हैं उनके स्थान बनने में, इस तरीके से अभी बहुत सारा हमें इसमें समय लगेगा। आपसे बातचीत करने जैसे हमारे अभिषेक जी ने बखूबी बताया कि मंदिर को लेकर किस तरीके से इसमें काम चल रहा है और क्या क्या मंदिर में रहने वाले हैं, और अभी भी आप देखिए ठीक पीछे कितनी लगातार काम जारी है, क्योंकि काम अगर हम बात करें तो 24 घंटे इसमें काम चल रहा है, क्योंकि जल्द से जल्द पूरे काम को समाप्त करना है। और एक बार फिर हम पूरी तस्वीरों को दिखाएंगे, अपने सहयोगी समीर से कहेंगे दिखाएं कि किस तरीके से काम चला लगातार जो को लगी हुई है, और अभी भी जो दर्शनार्थी हैं, जो लोग हैं वो लगे हुए हैं। अब देखिए प्राण प्रतिष्ठा से पहले भी श्री रामला का दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, और देखिए यहाँ पर जो मुख्य द्वार के पास ही हम तस्वीर से दिखाएंगे कि यहाँ पे रंगोली भी बनाया जा रहा है। देखिए आपको सीधे तस्वीर दिखाएंगे कि यहाँ पर पूरी तरीके से सड़क पे ही जो इस पुराने काम जो चला है, और जो लोग हैं तस्वीर में मोबाइल के माध्यम से तस्वीरों को ले रहे हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे, जो तमाम हमारे सहयोगी हैं, कोशिश करेंगे कि ये लोग कहाँ से आए हैं, क्योंकि तमाम अलग आप बताइए कहाँ से आए आप? हम लोग आए हैं सीतापुर से। रामला का दर्शन कर रहे हैं, कैसा लग रहा है अयोध्या का बदलाव? अच्छा लग रहा है, उनको दर्शन करते हुए बहुत खुशी की बात है कि राम मंदिर बन रहा है। धन्यवाद। देखिए आप देखिए किस तरीके से, कितनी खूबसूरती तरीके से ये पूरा बनाया जा रहा है, और देखिए कितनी ही बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको सजाने का काम कर रहा है। और इसी तरीके के अगर हम बात करें तो अयोध्या में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग चौराहों पर इस तरीके की पेंटिंग देखने को मिल रही है, वॉल पेंटिंग की जा रही है, रंगोलियाँ बनाई जा रही है, और यहाँ पर मुख्य द्वार के पास, क्योंकि यहाँ से ही रामलला के दर्शन के लिए दर्शनार्थी जाएंगे, तो इन दर्शनार्थियों को इसी पथ से होकर जाना है, क्योंकि इसे रामपथ कहते हैं। और आप देखिए यहाँ पर रंगोली बना, और कलाकार जो हमारे हैं, क्योंकि सभी का अपने अपना सहयोग है, तमाम जो कलाकार है वो अलग अलग प्रस्तुति दे रहे हैं, कोई बालू से चित्रकारी कर रहा है, कोई रंगोली कर रहा है, कोई वॉल पेंटिंग कर रहा है, तो कोई संगीत के माध्यम से सभी कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए ये जो कलाकार हैं ये बखूबी इसको पूरा सजाने का काम कर रहे हैं, और मुख्य द्वार पर ये रंगोली बनाने का काम कर रहे हैं, और देखिए कितने खूबसूरत तरीके से इस बनने वाले रंगोली को लोग अपने मोबाइल में कैद कर रहे हैं, और तमाम जो दर्शनार्थी हैं वो सभी दर्शनार्थी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं दर्शन करने के लिए। इनसे भी बातचीत करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये सभी दर्शनार्थी जो आए हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं? औरंगाबाद से आए हैं, बिहार। बिहार से आ रहे हैं आप, ददू से आप आए संडी में, क्या कहना चाहेंगे कि अयोध्या में जो रामलला विराजमान होने जा रहे हैं इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत खुशी की बात है, 100 वर्षों के बाद हमारे प्रभु राम आ रहे हैं, बहुत खुशी जाहिर है। कैसा लग रहा है अयोध्या में? बहुत बहुत सुंदर लग रहा है। देखिए ये सभी लोग खुश है, और पूरी तरीके से अगर हम बात करें अयोध्या भक्तिमय हो चुका है। आप देखिए यहाँ पर जो गीने हैं वो इस रथ को भी सजाया गया है, और यहाँ पर जो राम रथ इसको सजाया गया है, तमाम जो साधु संत सन्यासी वो भी कर रहे हैं, गानों के माध्यम से भी अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। महाराज जी क्या नाम है आपका? राजकुमार दास, अयोध्या हनुमान शंख है, बजाते हैं खुशहाली। बिल्कुल बिल्कुल, सुनना चाहेंगे एक बार जरूर बजा देते हैं। अगर हम बात करें तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, 22 जनवरी को प्रधानमंत्री करेंगे, कितना उत्साहित है साधु संत समाज में अगर हम बात करें तो? बहुत उत्साहित है, इतना उत्साहित है कुछ कह नहीं सकते हैं, बहुत उत्साहित है। थोड़ी सी दुखित हुआ आत्मा जो बंगाल में ममता बनर्जी ने साधु संत के साथ, लेकिन कोई उससे फर्क नहीं, देखो उनका भी अंत आ गया है, वो भी जलेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया में जो गऊ ब्राह्मण और संत को जो पूजता है उसका 7 पीढ़ी तर जाता है, और जो इनका निंदा करता है उसका 7 पीढ़ी विनाश हो जाता है, ये हमारे गुरु देव कहते हैं वो हम जानते हैं। और अयोध्या नगरी में सभी देशवासियों का और सभी माताओं बहनों का सबका हमारे तरफ से साधुवाद है, सब लोग आवे दर्शन करें हनुमान जी महाराज जी का, राम जन्मभूमि का।
शुक्रिया। देखिए सभी तरीके से साधु संत समाज जो है वो अभी उत्साहित नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए पूरी तरीके से अगर हम बात करें अयोध्या में जो जश्न मनाया जा रहा है पूरे देश प्रदेश में मनाया जा रहा है, लेकिन अगर हम खास तौर पर रामपथ की बात करें तो इस वक्त पूरा राममय हो चुका है और दूर दराज से तमाम जो दर्शनार्थी वो यहाँ पर पहुँच रहे। हालांकि अभी भी काम चल रहा है, क्योंकि 22 जनवरी तक ये सभी काम पूरे कर लेने हैं, क्योंकि तमाम VIP जाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, उनके साथ जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, तमाम यहाँ पर VIP रहेंगे और पूजा कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसको लेकर जो तैयारियां हैं जोर शोरों पर चल रही है। समीर के साथ अंशु सिंह, पंजाब केसरी, अयोध्या।